हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। गाइस, आज के डेट में कौन नहीं सोचता कि मेरा जो लैपटॉप का स्पीड है वो तेज चले या फिर मेरे पीसी का स्पीड है वो तेज चले। आपका रैम अगर सब सही है फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरा स्पीड स्लो है। तो गाइस, इस वीडियो में एक आपको सेटिंग के बारे में बताऊंगा। अगर उस सेटिंग को आप अप्लाई करते हो, आई होप आपको 35% आपके स्पीड में ग्रोथ होगा। ये मेरा मानना है, मैंने खुद ऐसा अप्लाई करा हुआ अपने सिस्टम में और लैपटॉप में करके देखा हुआ है। कुछ नहीं करना होगा, बस सेटिंग करना है आपको, उस सेटिंग को अप्लाई कर देना है। कैसे करना है मैं उस वीडियो में पूरी तरह बताऊंगा। एक चीज आपको यहाँ पर मैं बता दूं गाइस, आपका जो लैपटॉप है पीसी है उसका स्पीड स्लो होता क्यों है, क्या रीजन होता है कि स्लो हो जाता है। कुछ तो करते हैं नहीं हम लोग, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब उठा को पटकते हैं, ये ऐसा तो है नहीं। आपको एक लॉजिक के थ्रू मैं बताता हूँ कि इसका स्पीड स्लो क्यों होता है और उसको सही कैसे हो जाता है, वो जो हमारा फंक्शन है कैसे फिर से सही हो जाता है। एक बात बताओ, आप एक कमरे में रहते हो, ठीक है, आप डेली रूटीन में कुछ ना कुछ चीजें को यूज करते हो, आपका शूज हो गया, सॉक्स हो गया, बैग हो गया, टूथपेस्ट वगैरह, खाने पीने का सामान जो भी है आप यूज करते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जल्दी में रहते हो या फिर कहीं सामान रखकर भूल जाते हो कि यार ये तो यहाँ रहता है। जैसे मान लो सॉक्स हो गया, शूज हो गया, आपको पता हो कहाँ पे रहता है। अगर इनके मान लो वहां से हटकर किसी और जगह से हो गया तो आपको ढूंढने में समय लगेगा ना। मतलब डेली डेली रूटीन में यूज कर रहे हो चीजों को और इधर से उधर कहीं रख गया तो आपको ढूंढने में समय लगता है। सेम थिंग आपका सिस्टम में भी यही होता है। जो हमारी लैपटॉप पीसी की जो सी ड्राइव होती है उसमें हम लोग यूज करते हैं, कभी कोई फाइल ओपन करते हैं तो वो बिखर जाते हैं। अगर हम उसको एक सीक्वेंस में रख दें तो हमें ढूंढने में भी आसानी रहेगी और सिस्टम को भी ढूंढने में आसानी रहेगा। तो जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वो अपने जो फाइल से उसको सिक्वेंस में करेंगे, बस सिक्वेंस करते ही आपका स्पीड आपका अच्छा हो जाएगा। तो आओ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो गाइज, आपका जो लैपटॉप और सिस्टम है उसको ओपन कर लेना है, अपने जो ड्राइव है वहाँ ड्राइव पर आ जाना है और जो अपना सिस्टम का जो लैपटॉप का डेटा होता है, जो ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सी ड्राइव में होता है, तो सी ड्राइव को आप लोग उसको डिफ्रेगमेंट करेंगे। डिफ्रेगमेंट मतलब उसके जो फाइल्स होते हैं सिक्वेंस में करना, डिफ्रेगमेंट का मतलब यही होता है। तो इसको इस सेटिंग को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा प्रोसेस है, सीधे हमें सी ड्राइव पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज़ में आना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ में आते ही टूल्स में जाओगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा टूल्स, ठीक है। टूल्स को आते ही गाइस यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर लिखा है दिस ऑप्शन विल डिफ्रेगमेंट फाइल्स ऑन द ड्राइव। आपका मतलब ये, इसका मतलब ये है कि आपके ड्राइव में जो भी फाइल्स है उसको सीक्वेंस में कर देगा और आपका जो ओएस उसको जल्दी से कैप्चर कर लेगा अगर आपको कोई कमांड देते हो तो। तो इस पर हम लोग डी फ्रेगमेंट राम पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, मतलब आपके जितने भी ड्राइव होंगे सब दिख जाएंगे और इसमें जो फ्रेगमेंटेड होते हैं वहाँ पे दिख जाए कितने परसेंटेज फ्रेगमेंट है। अगर 3 से 4, 3 के ऊपर होता है तो मतलब हाँ वाकई में आपका जो सिस्टम है स्लो है। लेकिन यहाँ पर जो मेन होता है सी ड्राइव को होना चाहिए, तो सी ड्राइव मेरा 0% है। आप चाहो यहाँ से बाकी भी जो ड्राइव है वो भी आपको ओपन करने में स्लो चल रहा है तो उनको भी आप फ्रेगमेंट करके डिफ्रेगमेंट कर सकते हो। तो आप यहाँ देख लो मेरे 1-2% है, तो मैं अपने ड्राइव को नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ सी ड्राइव को ही करता हूँ। तो एक बार सी ड्राइव को आपको फर्स्ट टाइम अगर आपको रन कराना है तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक कर ऐसे कलरफुल में हो जाएगा, क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एनालाइज डिस्क पे करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे आपका रेशियो बताएगा कि कितना ये फ्रेगमेंटेड है। तो अभी मेरा 0 है, एक बार मैं करके देख लेता हूँ मेरा कितना है। तो मैं एनालाइज डिस्क पे क्लिक कर देता हूँ, अभी ये रनिंग हो रहा है, एनालाइज हो रहा है, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, वेट कुछ कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं क्या सीन आता है। तो अभी ये रन कर रहा है और ऐसा करने से गाइस मुझे श्योर है कि आपका जो स्पीड है ना लैपटॉप की या पीसी की 110% पहले से ज़्यादा चलेगी, ये मेरा मानना है। और आप इसको करो, मैं मैक्सिमम देखता हूँ लोग बाग जो ऑफिस में काम करते हैं, घर पे काम करते हैं, लैपटॉप में पीसी में, उनका बहुत स्लो चलता है। और अगर आप ऐसा करोगे ना आई स्वेयर 5% से ज़्यादा आपका फ्रेगमेंटेड में जाएगा, ये देख लेना। तो आप ऐसा करो, पूरा बिलीव है गाइज मुझे, आपका स्पीड अच्छा हो जाएगा। इस चीज़ को रन करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना पड़ेगा, जो गेस्ट यूज़र होते हैं उससे नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना कि आप एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना करें हो, ठीक है। अभी ये 50% इसको एनालाइज कर रहा है तो वेट करना पड़ेगा गाइस, कम से कम 5-6-10 मिनट वेट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप घबराने की क्या हो रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
तो गाइस ये अभी देखो फ्रेगमेंटेड कर दिया, 0% मेरा ही रहा, तो क्योंकि मैं इसको हर वीकली हर मंथली में 4-5 बार कर लेता हूँ, तो इसलिए है। तो यही प्रोसेस आपको भी अपने लैपटॉप पे करना है, सी ड्राइव को। अगर आपका कोई भी और भी ड्राइव ओपन होने में समय लगता है तो उसको भी आप ऐसे क्लिक करके एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डी फ्रेगमेंट करना पड़ेगा तो जैसे यहाँ पे 0 आ गया, अगर मान लो यहाँ पे 1-2% है, जैसे 1% है, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डी फ्रेगमेंट डिस्क कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर भी कुछ प्रोसेसिंग चलता है, उसके बाद आपका ये 0 हो जाता है। तो इसका मतलब 0 हो जाएगा तो आपका जो स्पीड है वो सही हो जाएगा, और अपने एक बार लैपटॉप को पीसी को रिस्टार्ट कर दीजिएगा। तो गाइस आई स्वेयर आपका स्पीड 110% बढ़ेगा। तो इस प्रोसेस को फॉलो करिएगा, यही वो प्रोसेस है। आपको इसमें कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप सिंपल मेथड से इसको ऐसे कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। अगर हेल्प मिला हो तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच।